नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज है गृह प्रवेश के बाद पहला दिन है घर में, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी किचन में। और आज की फिर पूरी दिन की एक्टिविटी दिखाती हूँ, कैसे क्या है यहाँ की, सुबह दोपहर शाम सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जितना मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं ये सब्जी कट करके रख रही हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ का पुराने घर में पुरानी घर की सुबह दिखाती थी और यहाँ ये है सुबह का नज़ारा। अभी यहाँ से इस जगह से सनसेट का व्यू दिखता है और उधर से होता है सनराइज़। तो जो सनराइज़ होगा तो कोशिश करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँ। और ये देखो, यहाँ पर चार अंडे हो गया ये मैंने उनके लिए राइस रखा हुआ है ताकि वो खाती रहे। देखिए ये बैठी हुई यहाँ पर, चलिए यहाँ पे कबूतर बहुत है। तो चलिए फिर चलती हूँ किचन में, नाश्ता बनाना है मुझे क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऋषि उठो, उठ जाओ, चलो। ये मैं रेडी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कटलेट बच्चों के लंच के लिए, सॉरी ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस इसको फ्राई करना है, फ्राई करना बाकी रह गया है। फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका थोड़ा लुक कैसा लगता है। मुझे सपना आया कि मम्मी को पैर दबाओ और फिर पापा ने बोला कि मेरे दम कटलेट बनके रेडी हो चुके हैं और इस व्यू के साथ आप इसका मज़ा लीजिए। मैंने सोचा बाहर आकर के आपको दिखाऊं। और आज मौसम देखो, आज बारिश है भयंकर वाली, पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो ही रही है। तो इसलिए मैंने आज सोचा क्यों ना थोड़ा पकौड़े टाइप की चीज़ बनाई जाए जो चाय के साथ खाने में मज़ा आए। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और फिर इसको सर्व करूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी। तो आज नए घर से पहला दिन है स्कूल का। इधर तो आओ, आपको पता चला। चलो ठीक है, कैसा लग रहा? अच्छा ये तो बता दो कैसा लग रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाय बाय तो कर दो। पहुँच गया नीचे और अब जा रहा है अपने पापा के साथ। आज इसके पापा इसको ड्रॉप करेंगे। बाय। सब्जी मैंने बना ली है, बस 10-15 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रील्स बनाऊं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई अपनी रील्स वीडियो नहीं बनाई इंस्टा पे। तो आज कोशिश रहेगी, पूरा फाइनल नहीं कह सकती कि टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और बनाऊंगी तो फिर वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में रुक टाक करके अभी ये गैस साफ करनी बाकी रह गई है, ये बाद में करूँगी नाश्ता करने के बाद। क्या है, रात को बनाए थे मैंने, मैंने नहीं बनाए मतलब मम्मी ने बनाए थे रात को, काबुली चने और रोटी, तीन रोटी और ये कॉफ़ी। कॉफ़ी मेरे पास मग नहीं है, मग टूट गया, मेरे को वो भी लाना, कई चीज़ें लानी है जो अभी नहीं है तो धीरे धीरे करके मैं लाऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करने के बाद अब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी, मीन्स थोड़ा सा रील्स बनाऊंगी जो कि काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने रील्स बनाने के लिए पहनी है ये साड़ी। ये देखो, ये मैरून नहीं बोलेंगे इसे, ये डार्क रेड विद ब्लैक इसमें मिक्स है कलर और गोल्डन बॉर्डर है। तो ये मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। और आप पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड, पहले भी दिखाया था मैंने तो अभी दोबारा देख लो। आज मैंने ना इसको ट्राईपॉड पे फ़ोन को स्टैंड करके मैं
आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि जो है पूरा पीछे का बैकग्राउंड नज़र आए, और इसी बैकग्राउंड में मैं फिर रील्स भी बनाऊंगी और कोशिश करूंगी बहुत सारे रील्स बनाने की। तो उन रील्स को आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। तो जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, जो सब देख रहे हैं, वो मुझे मेरे इंस्टा एंड फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें ताकि लेटेस्ट रील्स आप लोगों को दिख सके। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। रील्स बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी लोग अभी तक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन्होंने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए 6 बज गए हैं और मैं निकल रही हूँ थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, सब्जी वगैरह और भी छोटी मोटी जो ग्रथ फ्लोरा और भी जो छोटी मोटी चीज़ें अभी घर में मिसिंग है। कोई आ गया था लिफ्ट में इसलिए मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए और दक्षिण जाएगा अच्छी सी आवाज में बोलो ना तो आ गए हैं पार्किंग में बेसमेंट में और यहाँ से कहाँ पर अच्छा इधर यहाँ से निकलेंगे 10-15 मिनट दूर है, वही पुरानी जगह जाऊंगी मैं तो, क्योंकि मुझे वहीं पता है कहाँ पर क्या मिलता है। तो मंगल चौक की तरफ जाऊंगी और आज मंगलवार भी है तो कुछ सब्जियां लेनी है, कुछ छोटा मोटा घर का सामान लेना है, जैसे झाड़ू हो गया, वाइपर हो गया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी है क्योंकि पुराने वाले घर में जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो मैंने ना ये सारी चीज़ें वहाँ फेंक के आ गई थी क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो रहा था और ट्रक छोटा पड़ गया था, जैसे कि आपने मेरे शिफ्टिंग वाले ब्लॉग में देखा था कि हमारा सामान ज़्यादा हो गया था और ट्रक छोटा पड़ गया था। तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि इस सामान को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, लेकिन अब वो चीज़ों की कमी महसूस हो रही है तो वो सारी चीज़ें तो लेनी ही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। चलो मेरी अरे रुको, बैग रखा हुआ है यार, कहाँ बैठूँ चलो कुछ भी नहीं दिख रहा है? चार सुपर बाइक्स हैं। किसी ने बताया कि पास में ही रॉयल टावर है और उसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी हम लोग वही देखने के लिए आ रखे हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पता रहेगा कि हाँ चलो घर के पास ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी जस्ट हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। वैसे बेसिक नीड वाली चीज़ें तो हैं यहाँ पर, जैसे ग्रॉसरी हो गई, स्टिचिंग का हो गया और मेडिसिंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। तो अभी जस्ट हम लोग राइट लेफ्ट में घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर मुझे लगता है कि बाकी सामान के लिए हमें दूर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और जो सामान लेना था उसका 50% मैंने ले लिया है क्योंकि वहाँ पर सडनली बारिश हो गई थी तो जितना मैं ले सकी उतना मैंने ले लिया। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये टब लिया है क्योंकि कपड़े धोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इस टब में ये है कि कपड़े धो करके मुझे ऐसा चौड़े मुंह वाला चाहिए था, मेरे पास जो रखा हुआ है वो गहरा है तो मुझे ऐसा चाहिए था। ठीक है आप भी कह रहे हो क्या दिखा दिए। इसके बाद ले ली है मैंने ये चीज़ें, ये हो गया किचन में, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। क्या कहते हैं इसको, ये स्टिक हुक हैं, मतलब इसमें टाइल्स के ऊपर जो पेस्ट हो जाते हैं ना तो इसकी बहुत ज़रूरत थी तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ या यहाँ पर, देखती हूँ कितना चलता है क्योंकि कभी मैंने यूज़ नहीं किया। और कुछ अगर आप लोगों के कुछ आइडियाज़ हो जैसे किचन में मतलब कैसे मैं हैंग करूँ चीज़ें और कहाँ से लेना चाहिए, अगर आपके पास कुछ सजेशन हो जिसमें स्पेस कम दिखे, ये चीज़ें बाहर ना नज़र आए, अभी तो खैर सेटिंग करी नहीं है तो चीज़ें बाहर ही हैं, धीरे धीरे करके मैं इनको अंदर करूँगी क्योंकि मुझे किचन में बाहर चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये स्टिक होल्डर है, फिर ये मैंने लिए कुछ, इसमें कुछ भी रख लेंगे छोटी मोटी चीज़ें, फ्रूट्स बास्केट हो गई या कुछ भी आइटम ऐसे ले लिया मैंने, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ये मग लिया है, ठीक है, ये बड़ी वाली बास्केट ली है सेम, इसमें भी फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए या वेजिटेबल्स रखने के लिए, अभी रखूँगी, वेजिटेबल्स भी लाई हुई हैं।
ये हो गया ये। तो ये टमाटर है और थैंक गॉड कि टमाटर थोड़े से सस्ते हो गए। वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद सब्जी लेने गई थी, बीच में मैं गई नहीं, तो मुझे मैंने जब मैं गई थी पिछली बार, मतलब लास्ट टाइम जो मैं सब्जी लेने गई थी, तब टमाटर का रेट था 200 रुपये किलो। तो मेरे को याद है कि मैंने लास्ट 200 रुपये किलो लिए थे, अभी मैं टमाटर लाई हूँ 60 रुपये किलो में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद इसमें ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्रश हो गया और कपड़े सुखाने की तार हो गई और जूना हो गया लोहे वाला वैसा वाला और क्लिप हो गए कपड़े सुखाने के, और ये भी लिया है मैंने लॉन्ड्री बास्केट, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कपड़े जो है ना इधर उधर लटक रहे थे, तो इसमें रहेंगे तो ये होगा, इधर उधर रखेंगे नहीं, खासकर बच्चे। हाँ दूध भी लाई। मेरे ससुर जी थे, कह रहे थे क्या कर रही हो तुम, क्या लाई है? ये कुछ ये कॉफी के पाउचेस लिए हैं, क्योंकि कॉफ़ी वो बड़ी वाली लो ना, वो पता नहीं क्यों खराब हो जाती है, जम जाती है, तो ये ठीक है कि जितना, क्योंकि कॉफ़ी सिर्फ अपने घर में मैं ही पीती हूँ, तो जितना यूज़ करना है करो, फिर ये ख़राब नहीं होते पैकेट, तो पाउचेस में सही रहते हैं। ये तो दूध है, एक केले लिए हैं, ये लिए लौकियाँ इतनी सारी। आप सोचोगे लौकी इतनी सारी क्यों ली है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं ना वो इसका जूस बना करके पीते हैं, तो ये मैंने उनके लिए लिया है, और बहुत अच्छा होता है इसका जूस, मैंने भी पिया है और मैं ट्राई करूँगी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जूस जो है ना इसका पीना शुरू कर दूँ। बाकी सारी सब्ज़ियाँ हैं, कुछ खास नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसके अंदर अब ये ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब रख सकते हैं। मैं भी सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, तो ऐसा कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, तो अभी बस मैं इनको सेटल करती हूँ, चीज़ों को जगह पर रखती हूँ, उसके बाद मुझे डिनर, मेरे ख्याल से सब्ज़ी बना दी है मम्मी ने, बस रोटियाँ बनानी है, तो मैं आटा वाटा गूंदूँगी, रोटी बनाऊँगी, और फिर आगे की एक्टिविटी आपको आगे दिखाऊँगी। शाम के 7 बज गए हैं और पूजा करने का टाइम हो गया है वैसे, पर मैं अभी मम्मी कर रही हैं पूजा, उसके बाद मैं करूँगी। तो ये नाइट व्यू है, अभी तो पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ ना, अभी जस्ट सनसेट हुआ है इस तरफ। तो ये मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, ये कह सकते हैं, ये सनसेट हो रहा है, सनसेट हो चुका है, और रात को और भी सुंदर लगता है, जब पूरा अंधेरा हो जाता ना तो उसके बाद और ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरा नोएडा गाज़ियाबाद यहाँ से दिखता है बालकनी से, ये लो दोस्तों, ये रहा रात का व्यू, नाइट व्यू, देखो कितना सुंदर है, मज़ा आ जाता है यहाँ पर, इस व्यू को देख करके लगता है पैसे वसूल हो गए पूरे। तो ये पूरा नाइट व्यू है, नीचे देखो, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये इसमें शो ऑफ वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर करना अच्छा लगता है, और लोग कमेंट में बोलते भी हैं कि अच्छे से दिखाओ पूरा अपना, उसका पूछा भी है कई लोगों ने कि कहाँ पर फ्लैट लिया, वो मैं धीरे धीरे सब बताऊँगी, जैसे जैसे ब्लॉग आगे कंटिन्यू आते रहेंगे मैं आप सबको सारी डिटेल्स दूँगी, बस थोड़ा सा आप वेट करो, तब तक आप मज़े लो इस व्यू के, ठीक है? और हर ब्लॉग में मैं अब आपको ये व्यू दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मैं अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, आपसे फिर कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। आज हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, कि मैंने इसको ना अपना दरवाज़ा जो है ना इसको बार बार ये भट्ट बट्ट करके बंद हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये पानी की बॉटल रखी है इसको रोकने के लिए, फिर भी इस पानी की बॉटल को भी, ये पानी की बॉटल भी इसको रोक नहीं पा रही है, इतना तेज़ आज हवा चल रही है, मुझे लग रहा है आगे तूफान की पूरी पूरी संभावना है। चलिए फिर आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा एक न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।